हाय गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ार 2018 की रजिस्ट्रेशन एंड एलिजिबिलिटी के बारे में। सो ज़ार्ट सभी को है कि ज़ार्ट अगर मैं बात करूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड ये बेसिकली यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम होता है जो एक्सेलराई कंडक्ट करवाती है। एंड एग्ज़ाम ज़ार्ट एग्ज़ाम बिल्कुल कैट एग्ज़ाम के स्कोर की तरह ही होता है कि इसका स्कोर जो है वो आपके एडमिशन मैनेजमेंट कोर्सेज पे के एडमिशन में बेसिकली यूज़ होता है, एज अ यू नो वन थिंग काउंटर होता है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे रजिस्ट्रेशन और एलिजिबिलिटी की। सो इस डे ज़ार्ट एग्ज़ाम की डेट्स की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, तो यू गाइज कैन चेक इट आउट। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में एंड एलिजिबिलिटी के बारे में ज़ार्ट के। सो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन बेसिकली पहला स्टेप है अगर आप एक्सेलराई या ज़ार्ट एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना पड़ेगा। लॉग इन टू योर वेबसाइट एंड रजिस्टर योरसेल्फ, फिल ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स सच एज पर्सनल कॉन्टैक्ट क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। सो जब आप एक अपने आप को लॉग इन आप कर लोगे, रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद दीज इंफॉर्मेशन बेसिकली विल बी आस्क्ड बाय दैट वेब पेज, सो यू हैव टू प्रोवाइड देम। एंड इसके रजिस्ट्रेशन के बाद बेसिकली जब आप एक बार अपने आप को रजिस्टर करोगे तो आपके पास लॉग इन आई डी, ज़ैट आई डी और पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल दो, अपने फोटोग्राफ्स उसके नेचर्स को अपलोड कर दो, एंड देन यू कैन मूव टुवर्ड्स द फाइनल स्टेप, दैट इज़ दी मेकिंग द पेमेंट। नाउ पेमेंट कैन बी डन इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड, तो यहाँ पर आपको दोनों तरीके के ऑप्शन अवेलेबल हैं, या तो आप ऑफलाइन कर लो, ऑनलाइन मोड में सबमिट कर दो। ठीक है, एंड मूविंग अहेड अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ कि इसके चार्जेस क्या है, किस तरीके से प्रोसीड होता है। सो जो कैंडिडेट्स हुआ इंटरेस्टेड इन ZAT लेकिन एक्सेलराई में नहीं है, ठीक है, दे ओनली हैव टू पे 1600। ओके गाइज, ZAT एग्जाम इज बेसिकली कंडक्टेड बाय एक्सेलराई। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, उस स्कोर के अकॉर्डिंग भी आप ZAT एक्सेलराई में डायरेक्ट एडमिशन के लिए तभी अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज ZAT के आप एक्सेलराई में नहीं एडमिशन लेना चाहते तो ZAT के स्कोर को आप कहीं और भी, किसी और मैनेजमेंट स्कूल में भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट द फंडा इज ऑल अबाउट ZAT। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं सिर्फ ZAT में लेकिन एक्सेलराई में नहीं, एक्सेलराई के किसी प्रोग्राम में नहीं, सो उनको सिर्फ 1600 रुपये देने हैं। लेकिन जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं एक्सेलराई प्रोग्राम में, उनको उसी कोर्स के लिए, सर एक जितने प्रोग्राम्स के में इंटरेस्टेड होंगे उसको उस उतने प्रोग्राम्स के लिए 300 ईच देने पड़ेंगे। सपोजिंगली एक्सेलराई में आप दो प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड हो तो आप 1600 तो दोगे, लेकिन दो प्रोग्राम्स के हिसाब से 300 + 300 दैट इज 600 भी एक्स्ट्रा सबमिट करोगे। सो दिस इज़ द फंडा ऑफ ZAT एंड द एक्सेलराई फीस। ठीक है, एंड अगर मैं पेमेंट की बात करूँ तो पेमेंट एज आई सेड कि ऑनलाइन मोड में भी होती है। ऑनलाइन मोड में आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग अवेलेबल है। अगर कैश पेमेंट्स की बात की जाए, कैश पेमेंट्स में आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा अपने ZAT पेन स्लिप का। ठीक है, कोई भी आसपास IDBI बैंक मिले उसमें जाके सबमिट कर दो, एप्लीकेशन फ़ी दे दो, या फिर आप अपना DD भी बनवा सकते हो किसके फेवर में, एक्सेलराई जमशेदपुर अकाउंट ZAT के फेवर में, विच इज़ पेएबल एट जमशेदपुर। ठीक है, फ्रॉम एनी बैंक यू कैन मेक दिस DD आउट। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं कुछ जिससे आप अपनी फीस, एप्लीकेशन फ़ी को सबमिट आउट कर सकते हो, या तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ले लो, नेट बैंकिंग ले लो। अगर आप इन ऑप्शंस के लिए नहीं जाना चाहते तो डेफिनेटली कैश पेमेंट भी अवेलेबल है, उसके लिए आपको IDBI बैंक जाना पड़ेगा। एंड अगर पेमेंट DD की बात करूँ तो DD आपको एक्सेलराई जमशेदपुर अकाउंट ZAT के उसमें के नाम पे बनवाना पड़ेगा, वो आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फ़ी टिल नाउ। मूविंग अहेड फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो गाइस, सबसे पहले ये ज़रूर चेकआउट करना अप्लाई या रजिस्टर करने से पहले, क्या पता कि आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम्प्लीट ही ना हो लेकिन स्टिल यू नो यू आर अप्लाइंग फॉर दी ZAT, तो डेफिनेटली आप ऑटोमेटिकली ZAT के लिए काउंट अप नहीं होगे उस केस में, इन केस अगर आपका स्कोर अच्छा आ भी गया तो। सो क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो आपकी नेशनैलिटी, लाइक ऑल इंडियन कैंडिडेट्स कैन डेफिनेटली अपीयर फॉर ZAT 2018। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी ज़रूरी है, मिनिमम 3 ईयर्स ड्यूरेशन, और इक्विवेलेंट इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकग्नाइज कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। अपीयरिंग स्टूडेंट्स की बात की जाए तो कैंडिडेट्स जो अपना फाइनल एग्ज़ाम 10 जून 2018 तक दे देंगे, उनके लिए वो लोग भी एलिजिबल हैं ZAT के को में अपीयर करने के लिए।
उसके बाद फॉरेन स्टूडेंट्स की बात की जाए तो NRI एंड फॉरेन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई थ्रू योर GMAT स्कोर. अगर आपके पास GMAT स्कोर है फॉरेन स्टूडेंट्स द पीपल हु आर आउटसाइड इंडिया सो गाइज यू कैन ऑल्सो अप्लाई थ्रू GMAT स्कोर एक्सेप्ट ऑफ दुबई एंड काठमांडू. The people, the students, the candidate residing over here from Dubai and Kathmandu, they have to give their ZAT exam explicitly. उस केस में उनका GMAT का स्कोर एक्सेप्ट नहीं होगा. उन लोगों को अपीयर करना ही करना पड़ेगा ZAT 2018 के एग्जाम के लिए. सो दिस वॉज द ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फी एंड एलिजिबिलिटी. गाइज बिफोर चेकिंग एज आई सेड कि डेट्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं आउट हो चुकी हैं सो डू चेक दैट वीडियो एज वेल. एंड बिफोर अप्लाइंग टू द एग्जाम बिफोर रजिस्टरिंग योर सेल्फ फॉर द एग्जाम डू चेक योर एलिजिबिलिटी एंड डेफिनेटली गो फॉर दैट. हालांकि एग्जाम काफ़ी हद तक सिमिलर आता है. आई ऑल्सो कवर द एग्जाम पैटर्न एंड द सिलेबस फॉर द एग्जाम. सो दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो. इसके अलावा अगर आपको कोई भी और डाउट है यू कैन कॉल आर एक्सपर्ट. व्हाट यू नीड टू डू इज दैट अपने हमारे इस वेबसाइट पेज पे जाओ. हम मैं ये पेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी. इस लिंक पे जाके आपको अपने आप को रजिस्टर अप करना है दैट्स इट. एंड उसके बाद यू विल रिसीव वेरी शॉर्टली यू विल रिसीव अ कॉल फ्रॉम अस टू क्लियर आउट ऑल योर डाउट्स. सो दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो. डू वॉच द अदर वीडियोज. टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग कीप लाइकिंग कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग. बाय बाय.